please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. कोलंबो में श्रीलंका और भारत के बीच चौथा वनडे महेंद्र सिंह धोनी के करियर का 300वां वनडे रहा है। स्टंप्स के पीछे तेजी से विरोधी बल्लेबाज का शिकार करना हो या स्टंप के आगे खड़े होकर विरोधी गेंदबाज की बखिया उधेड़नी हो, धोनी हर काम स्टाइल में करते हैं। यही वजह है कि उनके नाम क्रिकेट की दुनिया के कई बड़े रिकॉर्ड दर्ज हैं। वनडे क्रिकेट के इतिहास में 300 मैच खेलने वाले धोनी दुनिया के 20वें खिलाड़ी बन गए। आज अपनी अगुवाई में टीम को आईसीसी वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और T20 कप वर्ल्ड कप जिताने वाले धोनी दुनिया के इकलौते कप्तान हैं। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में धोनी ने 331 मैच में भारत की टीम की कप्तानी की, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड। वनडे में धोनी की कप्तानी का रिकॉर्ड बेहद शानदार। उन्होंने अपनी कप्तानी में खेले गए 199 में 110 में जीत हासिल की। धोनी जितने धाकड़ कप्तान हैं उतने ही धमाकेदार बल्लेबाज भी हैं। 300 मैच में धोनी 9657 रन बना चुके हैं। धोनी लगातार शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं और जल्द ही वो 10,000 रन का आंकड़ा पार कर सकते हैं। वनडे में धोनी की बल्लेबाजी का औसत करीब 52 और स्ट्राइक रेट 89 है। 300 वनडे मैच में इतने शानदार रिकॉर्ड के आसपास दुनिया का कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं है। बड़े मुकाबलों में लक्ष्य का पीछा करने में धोनी का कोई मुकाबला नहीं है। यही वजह है कि लक्ष्य का पीछा करने के दौरान धोनी की बल्लेबाजी का औसत करीब 102 है। हेलीकॉप्टर शॉट के लिए मशहूर धोनी ने 9 मौकों पर छक्का लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई है, जिसमें 2011 में खेले गए वर्ल्ड कप का फाइनल भी शामिल है, सबको याद है। वनडे क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी धोनी के ही नाम है, जो अब तक 210 छक्के लगा चुके हैं। विकेट के पीछे भी महेंद्र सिंह धोनी के आंकड़े दमदार हैं। 13 साल लंबे क्रिकेट करियर में धोनी अब तक विकेट के पीछे 739 बल्लेबाजों को अपना शिकार बना चुके हैं। 300 वनडे मुकाबलों में धोनी ने विकेट के पीछे 379 शिकार किए हैं। इनमें 280 बल्लेबाजों के कैच लपके हैं, 99 बल्लेबाजों की स्टंपिंग की है।